तो गैस अभी एक खांड हो गया था हमारे घर पे, मतलब होते होते ही बचा था यार। चोर आ गए थे घर पे, हम गांव गए हुए थे, पिछले 4 दिन से हम गांव में ही थे और घर को ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ा था। वैसे भगवान नहीं बचाया यार, यहाँ गणपति पप्पा का फोटो लगा हुआ है यार, कृपा उनकी। वैसे चोरी बच गया, पर दिखाता हूँ आपको एक चीज़। यहाँ देखो, इसने ये वाला पहले तोड़ा था, ये वाला यहाँ से ही उड़ा दिया सालों ने, इसमें लॉक लगा हुआ था और उसने यहाँ से उड़ा दिया। पता नहीं किस चीज़ से काटे वो, हमने सीसीटीवी में चेक किया, वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, हमने सीसीटीवी में चेक किया तो यहाँ पे आई थिंक वो आरी वारी से कुछ से काटे हैं और यहाँ पे ताला रखे थे और फिर बहुत आसानी से उसने काटा, अंदर आए और फिर पता नहीं यहाँ पे बहुत देर से कुछ डिस्कशन कर रहे थे वो लोग, इस जगह पे खड़े थे इसी जगह पे, फिर उधर कॉर्नर पे गए थे, उनका बार बार कैमरे पे नज़र जा रहा था। मैंने सारा रिकॉर्डिंग किया हुआ है, आसपास का ही होगा चोर आई थिंक, और अगर होगा तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि कितना भी मास्क लगा ले या फेस कवर कर ले पता तो चल ही जाता है इंसान को। और वैसे पहले उसने कैमरे पे देखा था, उसके बाद अपना फेस कवर किया उसने, तो कितना हॉर्न मिल रहा है। तो गाइस मुझे अभी तक सीसीटीवी में जितना भी फुटेज देखा मैंने, उससे ये कंक्लूड हुआ है, मैंने ये कंक्लूजन निकाला। देखो यहाँ का उसने ताला तोड़ लिया था, ठीक है, इस वाले गेट का। उसके बाद वो लोग यहाँ पे आए थे और ये गेट इस तरह से लगा हुआ था, इस तरह से ये वाला गेट लगा हुआ था और यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, यहाँ भी ताला लगा हुआ था और इसमें भी ताला लगा हुआ था। तो बस मेरा जो मैंने अभी तक देखा है ना, मैं 100% श्योर हूँ इस लॉक की वजह से घर आज लूटने से बचा है, नहीं तो वहाँ तोड़ ही दिया होता उसने। देखो ये भी मोड़ दिया है उसने पूरे हथौड़े से मार मार के, ये मोड़ दिया है जो हमने कैमरे में देखा था, और बस ये वाला लॉक था जिसके कारण आज घर बच गया था, कि हमने यहाँ से लॉक कर दिया था। तो ये क्योंकि ऐसा मुश्किल हो जाता ना, यहाँ से कैसे तोड़ पाता, फिर कैसे खोल पाता। भाई साहब खतरनाक बचा है हमारा घर चोरी होने से, पता है। कोइंसिडेंस की बात क्या है, हमारे पास इस वाले लॉक की ना, इस वाले लॉक की चाबी तक नहीं थी, हमने कल ही मकान मालिक से मंगवाया था और हम पैसा नहीं, ऐसे जाते जाते क्या हुआ था मन में और वो लॉक कर दिए थे ऐसे मस्ती मस्ती में ही, क्या सोच रहे यार चोर आएगा क्या आएगा, हम जोक से ही बच गया। चलो खैर जो भी हुआ आपको, चलो फुटेज दिखाता हूँ, फुटेज देखना बहुत इंटरेस्टिंग सा है। पहली बार सीबीआई वाला फीलिंग आया था पूरे फुटेज देख के, ये जब हम जासूसी कर रहे थे तो पूरे दिमाग लगा रहे थे क्या हो सकता है, कैसे आया होगा जो क्या तोड़ा होगा पहले। तो चलो सीसीटीवी की तरफ चलते हैं। तो वैसे देखो यहाँ पे बाहर में आ चुके हैं और वहाँ पे गेट पे खड़े हैं और दो आदमी खड़ा हुआ है, अभी पता नहीं चल रहा है, एक इस साइड गेट पे है जो ताले तोड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरा नज़र रखा हुआ है जो कि इसमें वाइट में देख रहा है, पर वो येलो टी में था जो कि दूसरे कैमरा से दिखा था जब वो दीवार कूद के जा रहा था, और एक ने कम्बल ओढ़ रखा है। अब चलो इसको आगे बढ़ा के देखते हैं, जिस वक्त इन्होंने ताला तोड़ दिया था, क्योंकि अभी ये 2-3 मिनट तक, इनको मुश्किल से 3-4 मिनट लगा था बस वो ताला तोड़ने में, ताला यानी एक्सपर्ट चोर है या जो भी है। तो देखो अभी ताला टूट चुका है और ये लोग अंदर आ रहे हैं, हाथ में कुछ है ना, हाथ में कुछ है, दोनों के हाथ में कुछ है जिससे उन्होंने ताला तोड़ा था या काटा था जो भी हो, पता नहीं। अभी देखना इस कंबल वाले के फेस को देखना, अब ये देखेगा सीसीटीवी की तरफ, देखना देखो देखो देखो, अब ये अपने फेस को कवर कर रहा है, ये लोकल ही है जो भी है। तो आई रिक्वेस्ट टू दोस पीपल जो इधर सहरसा बिहार कंजला चौक के आसपास के, अगर ये चेहरा जाना पहचान लग रहा है तो थोड़ा हेल्प करना, मेरा इंस्टाग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ सारे वीडियो में, तो वहाँ पे मुझे DM करना। और देखना अब ये जो वाइट ओडियम है ना, वाइट तो नहीं एक्चुअली में वो ब्लू या येलो ओडियम है, इसमें ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है क्योंकि लाइट्स ऑफ थे यहाँ का, तो इसलिए वो वाइट दिख रहा है, तो वो भी एक बार देखता है कैमरे की तरफ। ये इस वाले खिड़की से देख रहे हैं अंदर क्या क्या है, हमने अंदर का लाइट जलाया हुआ छोड़ दिया था, हमने गलती किया, हमने बरांडा का भी लाइट जला हुआ छोड़ देना चाहिए था, तब इसका फेस अच्छे से पता चल रहा होता। अब लग रहा है इन्होंने कैमरा देख लिया और ये कॉर्नर पे आके डिस्कस कर रहे हैं कुछ, देखो। अब देखना अब क्या होता है।
ये वही हुआ जो मुझे लगा था। देखो ये ऊपर वाले लॉक पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो लॉक था ना तो डोर थोड़ा सा हिल नहीं पा रहा था, इसलिए समझ गए थे हम नीचे का तो ताला तोड़ देंगे पर ऊपर का लॉक लगा हुआ, उसके लिए क्या करेंगे। उनका फेस देखो, अब मुझे लग रहा है ये कमल वाले से समझा रहा है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, चलो यहाँ से। ये जाने ही वाला था कि तब तक इसने देख लिया और वो बोलेगा कि नीचे का तोड़ने के लिए, जो मुझे लग रहा है, जो मैं गेस कर पा रहा हूँ। देखो और ये नहीं तोड़ना चाह रहा था, ऐसे ऐसे फोर्स कर रहा है कि तुम नीचे तोड़ कर देखो। मुझे लग रहा है ये जो कमल हो रहा होगा ना, ये एक्सपर्ट है, ये शायद ताला तोड़ता है, इसने ही बाहर का ताला भी तोड़ा था और यही नीचे का ताला तोड़ने बैठता है। और ये जो है ये शायद नज़र रखने के लिए आया है, देखो उसने लिया उससे और ये नीचे का ताला तोड़ने बैठता है। तो माइट भी डिस्कशन कि यहाँ का तोड़ लेंगे पर ऊपर लगा हुआ है, देखना अभी ये ऊपर की तरफ इशारा करेगा। देखो देखो ये बोल ही रहा होगा ऊपर लगा हुआ है, नहीं हो पाएगा यहाँ पे, अभी निकल जाएंगे यहाँ से। बाय बाय थीव्स, बाय, यू फेल्ड, यू फेल्ड। वे लोग उसी तरह से गेट लगा के चले जाते हैं और हम चबाए थे तो गेट इसी तरह से था। भाई साहब, मतलब इन्होंने हमारा बाकी सामान भी रेत पे डाल दिया था है?